नमस्कार, मैं इंद्रदमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। आज के अपने वीडियो में मैं एक विशेष संस्करण लेकर के आया हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में पहली बार विधि संकाय के गौरवशाली इतिहास के पन्ने अगर उल्टे जाएं पलटे जाएं तो उसमें पहली बार एक कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। और विश्वविद्यालय के विधि संकाय की एक प्रतिष्ठित व्यवस्था है, एक समिति है, ADR ADLS अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग एंड लिटरेरी सोसाइटी करके है। और आज हमारे साथ में हैं अंकित। अंकित सोसाइटी के कन्वेनर हैं और ये लोग एक बड़ा कार्यक्रम कराने के लिए जा रहे हैं जिसको लेकर के बहुत ढेर सारे आपके मन में सवाल हैं। कई सारा आपके कॉलेजेस के ग्रुप में गया होगा, वो ब्राउसर गया होगा। तो अधिक जानकारी के लिए हम लोग अंकित से बात करेंगे। अंकित, पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। धन्यवाद भैया। मेरा नाम अंकित राय है, मैं BA LLB फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं इस सोसाइटी का, जैसा भैया ने बताया, कन्वेनर भी हूँ। अंकित और उनकी पूरी टीम, ADLS की जो पूरी टीम है, वो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, फर्स्ट पंडित शंकर दयाल शर्मा नेशनल PIL ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन। प्रथम बार ये हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। PIL क्या होती है, PIL ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, मायने क्या है, PIL ड्राफ्टिंग के लिए जो आपका प्रोफार्मा है उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या आपका लाभ है, कौन लोग पार्ट ले सकते हैं, क्या उसका शुल्क वगैरह है, क्या प्राइज ये लोग दे रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले इस कॉम्पिटिशन के विषय में अंकित बताइए कि कॉम्पिटिशन है क्या और इसमें कौन लोग भाग ले सकते हैं। भैया, इस कॉम्पिटिशन में जो भी LLB 3 ईयर या LLB 5 ईयर के स्टूडेंट हैं वो भाग ले सकते हैं, और जो उनका कॉलेज है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट हो रहा हो। इसके अलावा हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व कर रखी हैं ताकि हमारे भी बच्चे इस कॉम्पिटिशन में भाग ले पाएँ और अपनी प्रतिभा दिखा पाएँ। अभी तक भी अगर हम बात करें तो इस कॉम्पिटिशन में देश विदेश के सभी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अभी तक हमारे पास 10 से 12 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि हमारे पास केवल 24 रजिस्ट्रेशन का कैप है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्टर कराएं। और एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, उन्होंने PIL कभी ड्राफ्ट नहीं किया, तो उसके ऊपर जिस भी कॉलेज में ये दिक्कत होगी या जिस भी, अगर कोई लखनऊ के बाहर का कॉलेज अगर वहाँ पे दिक्कत है तो वहाँ पे हम ऑनलाइन सेशंस ले लेंगे, और अगर लखनऊ के कॉलेज है तो वहाँ पे हम ऑफलाइन सेशंस ले लेंगे। इस कंपटीशन में अगर आप सिंगल रजिस्टर करते हैं तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आप को ऑथर में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। कंपटीशन की जो अंतिम तिथि है रजिस्टर करने की वो 10 अक्टूबर है, लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप पहले रजिस्टर कर लें क्योंकि जो कैप है वो 24 टीम्स का ही है। इसके अलावा जो हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे वो 25 अक्टूबर को करेंगे और 15 अक्टूबर तक आप लास्ट डेट है सबमिशन की आपके PIL की। ये तो अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं आपको कि जैसा इन्होंने बताया ऑनलाइन सेशन वाला, अगर आप इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, अगर आपने अप्लाई अभी तक किया हुआ है या अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंकित का नंबर दे दूँगा, तो आप अंकित से सीधे बात करके आप प्रयास करिए कि अपने कॉलेज में ऑनलाइन सेशन आप एक करवा सकते हैं। आप पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, अगर आप अगली बार पार्ट लेना चाहते हैं तो कभी भी इस प्रकार के सहयोग के लिए, इस प्रकार की सेवा के लिए जो ADLS है वो आपके लिए तत्पर है। अब जो ये तो कार्यक्रम की बात हो गई, क्या है PIL का मतलब क्या होता है और PIL ड्राफ्ट करने में क्या ऐसा विशेष है कि उसको कॉम्पिटिशन के तौर पर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या है ऐसा PIL में, खास क्या है? देखिए भैया, PIL का जो मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें, जनहित याचिका होता है। जब भी कोई इंसान पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जब कोई भी ऐसा मैटर अराइज होता है जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज या पब्लिक के किसी भी फंडामेंटल राइट या कोई एक बड़े स्तर पे किसी पब्लिक के किसी भी जो अधिकार है उसके हनन होता है, तो जनहित याचिका दायर की जाती है, PIL दाखिल की जाती है। और इस कॉम्पिटिशन को कराने का हमारा एक ही मकसद है कि अभी तक मूट कोर्ट होते थे, मीडिएशन कॉम्पिटिशन, आर्बिट्रेशन कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन होते रहते हैं जहाँ पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है, एक अच्छा अधिवक्ता बनना है, एक अच्छा जज बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारी सोसाइटी का नाम भी ADR ड्राफ्टिंग रिलेटेड सोसाइटी, हम ड्राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए इस कॉम्पिटिशन का आयोजन कर रहे हैं। अब जैसे आपने बताया कि कई सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, या कई सारे मैं तो कहूँगा सीनियर्स भी हैं, मुझे भी नहीं आता है, तो जो PIL ड्राफ्ट करने के जो बेसिक्स हैं, कैसे शुरुआत करनी है? जैसे एक तो मूट कोर्ट का जो मेमोरियल वगैरह होता है वो तो बनता है, तो अक्सर बच्चे मूट वगैरह करते हैं, तो मूट कोर्ट के जो मेमोरियल्स हैं उनसे तो आप, मुझे लगता है, भलीभांति परिचित होंगे या आपके साथ का कोई ना कोई परिचित होगा। जब बात PIL की आती है तो PIL को फाइल करने में क्या ऐसी टेक्निकल जानकारी जो है जो आप देना चाहते हैं, क्या उसका प्रोफार्मा होना चाहिए, क्या उसके इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितना पेजेस का बनना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, इस बारे में बता दें।
देखिए भैया, पीएल के कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो आपको एक प्रॉपर प्रॉब्लम प्रोवाइड करती है, उस प्रॉब्लम के बेसिस पे आपको पीआईएल दाखिल करनी होती है, लेकिन उसी सेम प्रॉब्लम पे। लेकिन हम जो कॉम्पिटिशन करा रहे हैं उसमें हमने जो ये एम्बिट है उसको काफ़ी वाइड छोड़ दिया है कि आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि आप किसी भी प्रॉब्लम पे बना सकते। ये बड़ी जानकारी आपके लिए कि यहाँ पर आपको किसी एक समस्या में बांधा नहीं जा रहा है। अगर आपको कुछ भी ऐसी समस्या लगती है जिस पर एक जनहित का मसला है, जहाँ पे एक जनहित इन्वॉल्व है, पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो आप उस मसले पर अपनी ये याचिका का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई आपके लिए सीमा नहीं है, नहीं। बस उसमें जनहित जुड़ा हो। जी। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आए दिन जनहित याचिका दायर होती रहती हैं, जैसे कि जब धारा 370 को एब्रोगेट किया गया तो उस समय पे पीआईएल दाखिल की गई। अभी पेगासस का इशू 2020-21 में चल रहा था, उसके ऊपर पीआईएल दाखिल की। जब हम कोरोना काल में जूझ रहे थे तो उस समय भी बहुत सारी पीआईएल दाखिल की गई। तो आप किसी भी टॉपिक को उठा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि कोई जो पहले केस फाइल किया गया उस पीआईएल पे, उस पर भी आप अपना खुद का भी कोई एक फिक्शनल प्रॉब्लम बना सकते हो और उसके ऊपर भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हो। फिक्शनल बना सकते हैं जी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप जो अपना इंडेक्स, जो अपना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देंगे, उस फैक्ट्स में आपको उसके बारे में पूरा वर्णन करना पड़ेगा। मतलब अगर वो पन्ना कोई सामान्य आदमी पढ़ रहा हो, भले वो फिक्शनल हो, लेकिन वो जैसे पढ़े उसको लग जाए कि इसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ठीक। तो ये तो हो गई विषय की बात कि किस विषय पर ये आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल लेमैन की तरह मैं बात करूँगा कि बिल्कुल शुरुआत से बताइए कि पहले पेज से क्या होना चाहिए। मान लीजिए A4 साइज सादा मेरे पास है, पेपर है, अब मैं इसमें सबसे पहले लिखना क्या शुरू करूँ? देखिए, जब भी आप रजिस्टर कर देंगे तो आपको टीम कोड प्रोवाइड होगा। वो टीम कोड आप अपने राइट हैंड साइड पे टॉप पे लिखेंगे, उसके बाद कंपटीशन का नाम राइट हैंड साइड पे टॉप पे जी। उसके बाद बीच में आपका आएगा कंपटीशन का नाम, फर्स्ट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नेशनल पीआईएल ड्राफ्टिंग कंपटीशन। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे जो भी आपके पार्टीज हैं, जैसे मान लीजिए आपने बनाया है, अगर एक पार्टी बन रही है तो आप एक पार्टी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, अगर एक से ज़्यादा बन रही है तो क्लब विथ यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे करके आप बना सकते हैं। एंड में आप अगर चाहें, अगर आपने थरो रिसर्च किया तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो भी रूल्स होते हैं आप वो लगा सकते हैं। और आप एंड में लिखेंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ जिसके भी बिहाफ पे आप फाइल कर, इसके बारे में आप प्रथम पेज पे लिखेंगे। दूसरे पेज पे आपकी आती है कि आप क्या क्या, जो आपके कंटेंट है, जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो क्या क्या है। फॉर एग्जांपल, टेबल ऑफ कंटेंट में आप लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन डालते हैं, आप इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज डालते हैं, आप स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन डालते हैं, उसके बाद आपका समरी ऑफ फैक्ट आता है, इशूज रेस्ट आता है, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आता है, देन आर्ग्यूमेंट एडवांस, और एंड में आपका प्रेयर आता है कि आप क्या क्या प्लीड कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत बार आप लोग देखोगे पीआईएल में एनेक्सर्स अटैच होते हैं, तो एनेक्सर्स भी आप लगा सकते हैं। अब मैं हर एक के बारे में धीरे धीरे बताता हूँ। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका दूसरे पेज पे हो गया। तीसरे पेज से आप लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन बताना शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन क्या होता है कि आप जब किसी भी चीज़ को शॉर्ट में यूज़ करते हैं तो आप उसका एक एब्रीविएशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यूनियन ऑफ इंडिया को UOI करके लिख दिया, या फिर आपने सुप्रीम कोर्ट केसेस को SCC करके लिख दिया, तो आपको उसके बारे में बताना होता है। वो आपका लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज डालते हैं। इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपने अपने PIL में, जब आप अपने आर्मी एडवांस को फ्रेम कर रहे थे, तो आपने कहाँ कहाँ से मदद ली, कौन कौन से केसेस साइट किए, कौन कौन से जर्नल्स कोट किए, कौन कौन से फॉरेन जजमेंट्स डाले, कौन कौन से सोर्सेज को आपने रिफ़र किया, आप उसके बारे में बताते हैं। और जो साइटेशन का तरीका होता है वो हमने अपने में 20th ब्लू बुक साइटेशन डाला है, तो आप जा करके गूगल पर देख सकते हैं कि 20th ब्लू बुक साइटेशन में कैसे साइटेशन होती है, और आपको उसी के तर्ज पे अपने जो भी साइटेशन होंगे उनको डालना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ज्यूरिडिक्शन। हमारी जो PIL है, जो हमने अपने ब्रोशर में भी मेंशन किया, वो बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा रही है, तो आप आर्टिकल 32 उसमें लगाएंगे ही लगाएंगे। इसके अलावा आप जिस भी प्रॉब्लम पे बना रहे हैं, अगर आपने अपने फैक्ट में मान लीजिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल अगर हम पेगासस का इशू उठाते हैं, अगर पेगासस वाले इशू में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी इन्वॉल्व थी, तो जब भी किसी स्टेट और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जब भी डिस्प्यूट होता है, तो आर्टिकल 131 अपने आप क्लेम में आ जा सकता है। तो आप उन आर्टिकल को भी रेड विथ में लगा सकते हैं। इससे आपके जो विनिंग के चांसेस हैं, जो आप, जो भी इंसान आपका PIL चेक कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इश्यूज रेज, कि आपने कौन कौन से इशू रेज किए हैं इस पर्टिकुलर PIL में। तो जो भी आपको इशू लगता है कि आपकी जो PIL वो मेंटेनेबल है कि नहीं है, इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का हमारा वायोलेशन हुआ है, अगर मान लीजिए आपने 370 के ऊपर बनाया या आपने पैक्सिस के ऊपर बनाया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका
जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है वो भी आ जाता है, अगर आपने सबरीमाला के ऊपर बनाया तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जेंडर वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके इस पर भी आप अपने इश्यूज़ बना सकते हैं। उसके बाद आप समरी ऑफ जो आपके वो होते हैं फैक्ट्स वो लिखेंगे। आप फैक्ट्स के बारे में अगर एक बढ़िया जो तरीका होता है लिखने का वही होता है कि सबसे पहले आप जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में लिख दीजिए, देन उनके बीच में क्या हुआ एंड एंड में डिस्प्यूट क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्प्यूट क्या क्या जो मेन मेन इश्यूज़ जो अराइज हो रहे हैं आप उसके बारे में लिख दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो आपका एक क्लियर जानकारी देने में हेल्प करता है कि क्या क्या है। नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो आप कहीं ना कहीं समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। मेरे हिसाब से आप जब भी इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ और समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिखें वो एकदम एंड में लिखें, क्योंकि आप इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ तब तक आप नहीं लिख सकते जब तक आपने आर्ग्यूमेंट एडवांस नहीं लिखा है, और आप अपने समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपके पास आर्ग्यूमेंट एडवांस नहीं प्रिपेयर है। तो आप पहले एक थरो रिसर्च करके आर्ग्यूमेंट एडवांस अपनी प्रिपेयर कीजिए, जो भी आपने इश्यूज़ बनाए हैं। इश्यूज़ में मेरा मानना है कि आप सब इश्यूज़ बनाइए, अगर सब इश्यूज़ के आप सब इश्यूज़ बना दें तो और भी अच्छा है, बिकॉज जब भी कोई इंसान आपका यही चेक करेगा तो कम से कम उसके दिमाग में क्लियर नॉलेज रहेगी कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, और बंदा जो भी बच्चा हमारा बना रहा है वो कितना इनडेप्थ जा करके उसने रिसर्च किया है, कितना इनडेप्थ जा करके उसने चीज़ें क्रिस्टल क्लियर की हैं कि यहाँ यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल वॉयलेट हुआ है या हमारा ये फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। इसके बाद आपका आर्गुमेंट एडवांस प्रिपेयर हो जाएगा। आर्गुमेंट एडवांस में मैं आपको बताऊंगा कि पहले जब आप आर्गुमेंट एडवांस बनाएं पहले आप इशू के बारे में लिखें, फिर आप एक थोड़ा जिस्ट दे दें कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप उसके ऊपर जितने भी आपने रिसर्च की है हर सब इशूज़ के रिस्पेक्ट में आप अपने रिसर्च को उसमें कोट करें विद प्रॉपर साइटेशन, विद प्रॉपर जो भी जर्नल्स हैं, जो भी प्रॉपर आर्टिकल्स हैं उसके रिस्पेक्ट में, और उसके बाद एंड में आप अपनी प्रेयर भी लिखते हैं। प्रेयर में मेरा ये मानना है कि जो अमूमन लोग करते हैं वो यही करते हैं कि आपके सामने एक प्रेयर आई, आप जब भी प्रेयर ड्राफ्ट करने बैठे तो आप अपने इशूज़ को या तो सपोर्ट करते हो या फिर उसको वो करते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप PL5 करो तो आप ऑब्वियसली बात अपने जो भी आपकी प्रेयर है आप उसको सपोर्ट करोगे, बट मेरा ये मानना है कि आप अपने इश्यूज़ के अलावा एडिशनल प्रेयर्स भी कोट करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए पेगासस का इशू इन्वॉल्व है, अगर मान लीजिए 370 का इशू इन्वॉल्व है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है अगर उसके ऊपर चीज़ें हैं तो आप उसके रिस्पेक्ट में एक दो एडिशनल प्रेयर्स भी कोट कर सकते हैं, मांग सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट से, तो वो अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका भी एक बेटर इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आपका ये इतना चीज़ें कंपाइल हो जाएंगी उसके बाद एंड में आप अपने एनेक्जर्स भी लगा सकते हैं। एनेक्जर्स इन द सेंस कि जब भी आप कोई PI फाइल कर रहे हैं तो उसके सपोर्ट में एक दो डॉक्यूमेंट जो आप अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 370 का एप्रोबेशन हुआ तो वहाँ पे सरकार ने कर दिया, अब अगर आप उसके रिस्पेक्ट में PI दाखिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप NCRB की रिपोर्ट लगा दीजिए कि देखिए NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी आर्मी वहाँ पर थी, उसके बाद भी इतने सारे लोगों को मारा गया या फिर इतने सारे जो हमारे मासूम नागरिक थे उनको मारा गया। ऐसे करके जितने भी आप रिपोर्ट्स लगाना चाहें, जो भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। उसमें कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है नेचर में, वो आपके ऊपर है, आपके डिस्क्रिप्शन पर है। तो इतना करने के बाद आपका जो प्रॉपर एक PIL की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, और अगर आप एक अच्छा PIL ड्राफ्ट करने बैठेंगे, प्रॉपर थरो रिसर्च के साथ PIL ड्राफ्ट करने बैठेंगे तो कम से कम आप 35 पेजेस आपके लग जाएंगे विद एनेक्सर्स। और अगर आप ये देखिए आपके पूरे रिसर्च पे, अगर आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आप 40 पे भी जा सकते हैं, अगर आप रिसर्च उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी तो आप कहीं ना कहीं 25-30 तक भी अटक सकते हैं, ये आपकी डिस्क्रिप्शन। तो क्या मतलब जो पेजेस ज़्यादा पेजेस कम पेजेस ये आपकी गुणवत्ता का पैमाना है, या इसको जब इसका निरीक्षण किया जाएगा, इसको जब जांचा जाएगा तो उसमें भी पेजेस देखे जाते हैं, कंटेंट देखा जाएगा कि पेज देखा जाएगा? भैया देखिए, जो हमारा चेक करने वाले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो आपका कंटेंट ही देखेंगे, बट कहीं ना कहीं जब आपके पास मटेरियल ज़्यादा होता है, आपने ज़्यादा रिसर्च किया, तो कहीं ना कहीं वो पेजेस अपने आप बढ़ जाते हैं। मतलब ज़्यादा रिसर्च आप करोगे तो सामान्य सी बात है कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा होगा, तो प्रयास करिए कि अच्छा खासा समय है तो ज़्यादा रिसर्च करिए, और पेजेस की कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप इसके, हो सकता है आप बहुत बढ़िया रिसर्च करके कंपनी में लिख करके ला रहे हो, या हो सकता है आपने ज़्यादा रिसर्च की हो तो जाहिर सी बात है पन्ने बढ़ गए हों, तो पन्ने को लेकर के इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, रिसर्च ज़्यादा करनी है, ज़्यादा काम करना है। तो ये फीस के बारे में बात हुई, टीम्स के बारे में, अच्छा अकेला आदमी कर सकता है या दो लोग भी कर सकते हैं? भैया अकेला आदमी भी कर सकता है, अगर अकेला आप कर रहे हैं तो आपके 300 रुपये लगेंगे, और अगर आप टीम में आ रहे हैं दो लोग की टीम बनेगी तो उसमें दो से अधिक नहीं कर सकते अकेला आदमी, या फिर दो आदमी कर सकते हैं।
तो 24 ही टीमें अभी तक इन लोगों ने अलाउ की हुई हैं, तो प्रयास करिए कि जल्दी इस बड़े प्रतिष्ठित कार्यक्रम में और प्रतिष्ठित संकाय के कार्यक्रम में भाग लेने का आपको अवसर मिले। इसलिए प्रयास करिए कि जितना जल्दी आप इसमें पार्ट ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करिए। अंतिम तिथि क्या बताएं? अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर, बट भैया वही है कि हमारे पास टीम कैप है और अगर आपसे पहले किसी ने रजिस्टर कर दिया तो फिर हम उसको एंटरटेन करेंगे, आपको नहीं कर पाएंगे, वो हमारी एक मजबूरी बन जाएगी। पहले आओ पहले पाओ वाला सिद्धांत है, तो प्रयास करिए कि जल्दी आइए। और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं एडीएलएस परिवार की ओर से हैं कि आप इस कार्यक्रम में भाग लीजिए, प्रतियोगिता में भाग लीजिए और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में जो कि पहली बार हो रही है इसमें आप विजयी भी होइए। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, अंकित की ओर से, और जल्दी आप इसमें भाग लीजिए और हो सकता है आपको पुरस्कार मिले तो उस समय हम लोग की मुलाकात। पुरस्कार जो है वो अगर आप प्रथम आते हैं तो आपको 3,000 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा और साथ में 3 महीने का हम SCC का आपको लॉगिन देंगे, और यदि आप रनर अप आते हैं तो आपको 2,000 का कैश प्राइज मिलेगा और आपको 3 महीने की SCC का मिलेगा। तो ये भी एक है आप नहीं ये बड़ी सूचना थी और मुझे लग रहा है ये हम लोग छोड़े दे रहे थे, बाकी कुछ और बच रहा है? नहीं, ठीक है। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, उसमें भाग लीजिए और इस प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा होगा अंकित का, अगर आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए, ब्राउजर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप वो अंकित के नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप उनसे पा सकते हैं। तो धन्यवाद, प्रणाम।